डीडी अकादमी की तरफ से चलो रेलवे की तैयारी करें गणित का, ये भाग 5 है। इसके पहले 4 भाग है जिसका भी आपका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। तो चलिए समय को बिना व्यर्थ किए हुए हम क्लास पे चलते हैं। ये एक ऐसा सवाल है, देखने में तो बड़ा आसान है लेकिन परीक्षा हॉल में मैक्सिमम में को इसने कंफ्यूजन किया हुआ था और ये लेवल 1 का सवाल है। उर्मी और लोकेश ने क्रमशः 11,250 और 13,125 के निवेश के साथ साझेदारी का बिजनेस शुरू किया, लेकिन वित्तीय संकट के कारण इनमें से एक को अपने निवेश के 8 महीने बाद अपना निवेश निकालना पड़ा। एक को, नाम नहीं बताया, उर्मी है कि लोकेश है, नहीं बताया मुझे। पहले 12 महीने के लाभ के को दोनों में किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए? तो बोला एक साल जब कंप्लीट हुआ तो एक जन का पैसा तो 12 महीने तक था, दूसरे जन का पैसा 8 महीने तक था, लेकिन मुश्किल यह है किसका पैसा कितना दिन तक था यह पता नहीं चलता है। तो जैसे पहले बोला है उर्मी का 11,250, लोकेश का 13,125, एक का बोला है तो पकड़ लेते हैं उर्मी का, किसी एक को तो लेना होगा, तो हम पकड़ लेते हैं उर्मी का पैसा 8 महीने तक था। और नहीं, हम पकड़ते हैं क्या कि उर्मी का पैसा 12 महीने के लिए था, लोकेश का जो पैसा था 13,125 वो 8 महीने तक उसने बिजनेस में रखा था। तो ये साझेदारी की बिजनेस है, आप जानते हैं कि अगर आय का बंटवारा होगा तो जितना पैसा गुना महीना, ये बंटवारे का आपका क्रम है। तो 11,250 गुना 12 इस टू या बटे 13,125 गुना 8 करते हैं तो क्या होता है, ये आपका 1,45,000 और 1,05,000 300 काट देते हैं। और इसे अगर हम काटते हैं 15 से, 15 नवा, देखो सीधी सी बात है भैया, चलो कोई लोग बोलते हैं कि सर काट के क्यों नहीं दिखाते हो, तो चलो मैंने 300 काटा यहां पर और इधर भी 300 काट दिया, तो हमारे पास क्या आ गया 135 और 105। तो हम जानते हैं कि 15 नवा क्या होता है, 135 होता है, 15 सते क्या होता है, 105 होता है। तो देखो 9:7, अब 9:7 तो एक आंसर दिखाता, आंसर दिखाता है, लेकिन ये भी तो ऑप्शंस हैं। और हमारे पास दूसरा है कि अगर उर्मी का 12 महीने पैसा था, दूसरा विकल्प क्योंकि दो ही जन है कि या तो उर्मी का 8 महीने का भी हो सकता है, तो अब ऐसे केस में हमें दूसरा भी देखो गणित का पोषण करना पड़ रहा है, तो हम दूसरा पोषण करते हैं। चलो इसको अलग से कार्ड लाइन बना दिया, अब इसमें हम बोलते हैं कि नहीं भैया, चलो एक बार करके देख लेते हैं। 11,250 उर्मी का जो था वो 8 महीने के लिए था और 13,125 जो लोकेश का था उसका 12 महीने के लिए था, तो फटाफट करते हैं। तो देखो ये 90,000 और 1,57,500 आएगा, 300 इसको काट देते हो तो 900 और 1575 आता है, 900 और 1575 आता है, तो 180 और 315 आता है, 180 और 315 को अगर करते हो तो 36:63 आता है, 5 अगर काटते हो। यहां से थोड़ा गड़बड़ मैंने लग कर दिया है, मैंने देखा था लेकिन सुधार नहीं किया था, टाइपिस्ट ने, मैं भी भूल गया था। अब देखो 9 से कटोगे तो क्या होगा भैया, 4×9=36 होगा, ये 4 होगा, ठीक है ना, और 7×9=63 होता है तो ये 7 होगा, तो यहां पे आंसर क्या हुआ है 4:7। लेकिन देखो 4:7 यहां भी नहीं है, तो हम समझ जाते हैं कि यही इसका सही उत्तर है। लेकिन ऐसी स्थिति में देखो हमें ऑप्शन को पकड़ के 2 बार करना पड़ा क्योंकि यहां पे क्लियर नहीं दिया हुआ था और ये शायद ही किसी के किताब में मिला, अभी आ गए हैं बहुत सारे के किताबों में, ठीक है ना, अभी बोलेंगे लोग हाँ हैं, लेकिन ये सवाल जो है आज से 1 साल पहले इस तरह के सवाल किताबों में, आर एस अग्रवाल तो छोड़ ही दीजिए, दूसरों में भी नहीं मिलते थे। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। एक आदमी 2 kg से इसकी कीमत में कमी के बाद 16, इसकी कीमत में कमी के बाद मतलब 2 रुपये किलो, क्या कि पहले कुछ रेट था अब दाम घट के 2 रुपया हो गया, इस तरह के लाइन का लिखने का
बहुत ज्यादा शुद्ध हिंदी तो नहीं है, मतलब सही हिंदी तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, अब एग्जाम में पूछा गया है, इस पे कुछ आपत्तिजनक भी नहीं कर आपत्ति नहीं करना चाहिए। एक आदमी ने 2 रुपए किलो से इसकी कीमत में कमी के बाद 16 रुपए में 4 किलो चीनी और खरीद सकता है। अच्छा यार, 2 रुपए तो किलो था ना, अगर 2 रुपए किलो था 16 रुपए पे कितना चीनी खरीदा जाएगा? हम गणित नहीं कर रहे हैं, लॉजिकल ग्राउंड पर हम उत्तर की सोच कर रहे हैं। तो देखो, 2 रुपए के भाव पर 16 रुपए में 8 किलो चीनी खरीदा जाएगा, सीधी सी बात है। और पहले 16 रुपए में, अब क्या हुआ है, 2 रुपए में जो खरीदा है उसने 4 केजी चीनी और खरीदा है। 16 रुपए में 4 केजी चीनी और खरीद सकता है, 4 केजी चीनी और खरीद सकता है, मतलब अभी तो 8 केजी खरीद रहा है ना, 8 केजी में 4 केजी ज्यादा मिला है इस बार। तो पहले कितना मिलता था, 4 केजी मिलता था, अब पहले भी वो 16 रुपए का ही खरीदा था, तो 16 रुपए का 4 रुपए का केजी उसको मिला था, तो पर केजी कितना था, 16 को 4 से भागा दिया, 4 हो गया, 4 रुपए केजी, मतलब पहले 4 रुपए केजी था, अब 2 रुपए केजी है, जिसके लिए उसे 4 किलो ज्यादा मिलता है। तो देखो, एक्स लेके भी किया जा सकता था, क्यों मैं इसको लॉजिकल ग्राउंड पे कर रहा हूं, क्योंकि सवाल जो है अब थोड़े घूम रहे हैं दोस्त, और चूंकि ये सवाल घूम रहे हैं तो जरूरत ये भी हो गया है कि हम लॉजिकल तरीके को भी थोड़ा सा सीखने लगे, कि जिससे हमें सवाल नहीं घुमा पाए, हम सवाल को घुमा के सॉल्व कर दें। तो चलिए, 4 केजी इसका आंसर हुआ, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। एक त्रिभुज के कोण 5:6:7 के अनुपात में है तो त्रिभुज को क्या बोला जाएगा? देखो भैया, दुनिया का कोई भी त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, छोटा त्रिभुज है, बड़ा त्रिभुज है, ठीक है ना, सबका कोण जो है जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। अब देखो, त्रिभुजों के कोण का अनुपात दिया है 5:6:7, तो हम कोण मान सकते हैं 5x + 6x + 7x, और क्या बोला है, सारा विश्व के पूरे त्रिभुज, सारे तरह के त्रिभुजों का जो फल 180 होता है। तो ये हमने जब जोड़ा तो 5, 6, 11, 7, 8, 18 एक्स बराबर 180, तो x का कीमत है 10। तो फिर भैया, त्रिभुज का एक कोण कितना है, 5 को 5x हमने लिया हुआ है, तो 5 को 10 से गुणा करेंगे तो त्रिभुज का एक कोण 50 है, दूसरा 6x, मतलब त्रिभुज का दूसरा कोण 6 × 10 = 60 है, त्रिभुज का तीसरा कोण 7x लिया था, मतलब 7 × 10 = 70। और हम जानते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज का कोई भी कोण 90 डिग्री से नीचे होगा, तभी उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। तो बात पता चल गया हमें कि न्यून कोण त्रिभुज ही है, क्योंकि इसके सारे कोण जो है वो आपके 90 डिग्री से कम है। तो चलिए, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। एक समभुज कोणीय षटकोण की परिधि 72 सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर में इसका क्षेत्रफल क्या है? देखिए, ये सब केवल फॉर्मूला पे आधारित होता है, अगर फॉर्मूला आप जानते हैं तो सही है, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे यहां देखिए, रेगुलर आपका हेक्सागन दिया जाता है, मतलब जिसके भुजाएं बराबर है, 6 भुजा है, 6 भुजा आपस में बराबर है। देखो, परिधि जो लिखा हुआ है, बेसिकली इसको परिमिति लिखना चाहिए था, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन परिधि का मतलब होता है इसके अंदर कोई इन सर्कल की बात हो रही है, तो कहीं से भी उसमें बड़ा मुश्किल है, बड़े लंबे जर्नी की बात होती है, हम सीधे इसको परिधि को परिमिति मानते हैं, जो सही भी है। तो षटकोण का एक भुजा क्या होगा, 6 भुजा की लंबाई अगर 72 सेंटीमीटर है, एक भुजा की लंबाई, सीधी सी बात है, 72 को हम चूंकि 6 भुजा है, 6 से भागा दिया तो एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो गई। अब हमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 3√3s² s मतलब एक भुजा का वर्ग बटे 2। तो फिर हम भी यहां पे निकालते हैं, षटकोण का क्षेत्रफल क्या होगा, 3√3, 12 सेंटीमीटर तो था मेरा एक भुजा, 12 × 12 / 2, 2 से अगर एक 12 को काटते हैं तो 6 हो जाता है, तो 3√3 × 6 × 12, तो 12 × 6 = 72, 72 × 3 = 216, तो 216√3 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर, देखो
ये निकल गया। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। एक व्यक्ति हर बार 5 घंटों में धारा के विपरीत 4 किलोमीटर और धारा के दिशा में 16 किलोमीटर तैरता है। धारा की गति कितना है? बड़ा सिंपल सा मैटर है यह। धारा के दिशा में मतलब क्या? नाव जिधर जा रही है धारा भी उधर ही जा रहा है, तो नाव की स्पीड और धारा का स्पीड जुड़ जाएगा। ये नाव की स्पीड और धारा का स्पीड बराबर क्या होगा? जिसके बराबर स्पीड का मतलब होता है 16 किलोमीटर 5 घंटे में जाता है और स्पीड बराबर दूरी बटे घंटा होता है, तो दूरी 16 किलोमीटर है बटे 5 हो गया। तो नाव प्लस धारा जो है इसकी स्पीड जो है 16 बटे 5 है। अब होता है विपरीत दिशा में। अब देखो विपरीत दिशा में जब जाएगा, नाव जा रही है धारा उसका विरोध कर रहा है, तो नाव की स्पीड माइनस धारा की स्पीड। देखो बार बार स्पीड शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, गति शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, चाल शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। कितना गया भैया? 5 ही घंटा में 4 किलोमीटर, तो 4/5 ये इसकी स्पीड हो गई। अब हमें बोलता है कि धारा की गति बताओ। अब धारा की गति जो है अगर हमें करना है तो देखो हम इसको जोड़ेंगे घटाएंगे, क्योंकि जोड़ेंगे तो धारा धारा कट जाएगा, घटाएंगे तो ये प्लस होगा और ये माइनस हो जाएगा। घटाएंगे तो नाव माइनस हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, जिससे क्या हुआ? जिससे देखो आपका जो है प्लस नाव है और माइनस नाव है, ये कट गया। इतना तो समीकरण का आप समझते ही हैं। तो फिर हमारा क्या हुआ? अब हमारा हो गया देखो धारा प्लस धारा दो धारा, 16/5 माइनस 4/5, चूंकि आधार बराबर है, ये आपका बराबर है, तो हमने 16 से 4 घटा दिया, 12/5 किलोमीटर प्रति घंटा ये दो धारा का स्पीड है। तो एक धारा का स्पीड क्या होगा? ये दो नीचे की तरफ चला जाएगा, 12/5 × 10 मतलब 10, तो 12/10 बराबर दशमलव में क्या लिखेंगे, 10 के लिए 1 दशमलव आ जाएगा, 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा, जो इसकी सही जवाब है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बोला गया है निम्नलिखित पाई आरेख, पाई चार्ट जो दिया गया है उसमें खाद्य पदार्थ की बिक्री जो हो रही है, ठीक है ना, चाइनीज खाना 5% बिकता है, बर्गर 25%, पिज्जा 15%, डोनट जो है 20%, सैंडविच जो है 20% है और अदर बेक्ड आइटम 15% बिकता है। वो एक रेस्टोरेंट है 2017 में, मेरा रेस्टोरेंट नहीं है यार, ये सवाल में पूछा गया है। 35 लाख रुपए का टोटल राजस्व प्राप्त हुआ। फिर पूछता है कि इस एक्स वाई जेड रेस्टोरेंट में 2017 में डोनट्स की बिक्री कितनी हुई थी? अब देखो डोनट्स जो है 20% बिक्री हुई थी, यहां बोला हुआ है कुल बिक्री क्या हुई थी 35, तो 35 का 20% डोनट बिका था, तो 35 का 35 गुना 20% बता मतलब 20/100। अगर आप काट कूट करेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य काटेंगे, चलिए काटते ही हैं, नहीं तो बोलेंगे कि मैं सर नहीं करते ये सर, तो 1 शून्य से ये 0 कटा, 2 से आपने 10 को काटा तो 5 हुआ, 5 से जब आपने 35 को काटा तो 7 हुआ, तो आंसर आपका 7 लाख हुआ, जो आपका सही आंसर है। तो चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। √0.64/√0.16 का मान ज्ञात करें, बहुत ही सिंपल। चलिए हम पहले लिखते हैं, यही मुझे करने के लिए दिया गया है, देख लीजिए इसका मान ज्ञात करना है। हम पहले दशमलव को भिन्न में चेंज कर देते हैं, तो 64/100 है और यहां 0.16 है तो 16/100 है। अब इसका वर्गमूल अगर निकालेंगे तो सीधी बात है, 8 × 8 = 64, ये 64 का 8 निकला, 100 का 10 होता है 10 × 10 = 100, तो ये √ हट गया, ये 8/10 हो गया, 16/100 था तो ये 4 हो गया,
चर्चों के 16 और दहाई का अगर 10-10 है 100, तो ये भी अगर रूट वर्गमूल होगा तो ये 4 होगा, ये 10 होगा। अब जरा हम काट देते हैं और कुछ चीजों को, तो चलिए हम ये देखिए 10 और 10 कट गए तो हो गया 8/4। और अगर 8/4 का मतलब ही होता है कि ये 2 है, इसमें कोई शक शुबा होने की बात ही नहीं होती है, 8/4 = 2, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए ऐसे छोटे को भी मैं ले रहा हूं, क्या है कि हर तरह के क्वेश्चन का मिश्रण रहे, क्या है कि इससे हम बेसिक को भी आपको मुझे बताने का एक मौका मिले। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 6, 10 और 15 द्वारा विभाजित करने पर हर बार 3 शेषफल प्राप्त होता है? तो भैया कुछ भी नहीं है, इन सारे संख्याओं का हमें लसा निकालना है, और चूंकि शेषफल 3 बचता है तो लसा में 3 हमें जोड़ देना है, तो वही हमारी छोटी संख्या होगी। यहां छोटी संख्या जब पूछा जाता है तो बोला जाता है वो छोटी सी छोटी संख्या एक ही संख्या है, कौन सी है जो 4 से भी भागा जाती है, 6 से भी भागा जाती है, 10 से भी भागा जाती है, 15 से भी भागा जाती है। तो इस सवाल में हम उसका लसा निकाल लेते हैं। चलो लसा हम निकाल रहे हैं, 4, 6, 10, 15 हमें दिया हुआ है। तो पहला हम करते हैं कि 2 से हम देते हैं, 2 से अगर देते हैं तो 2 × 4, 3 × 6, 5 × 10, 15 × 15 उतर गया। फिर हम देते हैं, अब हम देते हैं कि सीधा सीधी हम 3 से देते हैं तो 2 का तो 2 उतर जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा और 3 × 5 = 15 हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब देखो 2, 5 है तो 5 × 1 तो जाएगा ही जाएगा, तो नीचे बच गया 2, 1, 1, 1। अब इसका मतलब क्या है, एलसीएम क्या हुआ, 2 × 3 × 5 × 2, तो 3 × 6 = 35, 30 × 60। देखिए शेषफल बोलता है 3 हर वक्त बचना चाहिए, तो देखो कहने का मतलब 60 वो संख्या है जो 4 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी, 10 से भी कटेगी, 15 से भी कटेगी, लेकिन मुझे बोलता है नहीं भैया शेषफल 3 होना बचना चाहिए, तो हम 3 जोड़ देते हैं। क्या के 2 से भी काटे, जब ये हम 4 से काटेंगे तो 60 तो कट जाएगा, 63 का 3 बच जाएगा। अगर हम 6 से काटेंगे 60 तो कट जाएगा, 63 का 3 अवशेष बच जाएगा। 15 से 10 से जब काटेंगे वो भी कट जाएगा, 10×6 = 60, फिर देखो 3 अवशेष बच जाता है। 15 से अगर भागा देते हैं तो 15×6 = 60, फिर देखो अवशेष 3 बच जाता है। तो मेरा आंसर इस तरह निकल जाता है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। बोला गया एक ठोस सिलेंडर जिसके आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर थी और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर थी को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, इस गोले की त्रिज्या क्या है, कितना सेंटीमीटर है? अब देखो भाई सिलेंडर बोला है, बेलन बोला है, मतलब यही चीज है, गोला बोला है तो यही चीज है। अब जरा इसके आयतन को हम देख लेते हैं। ठोस सिलेंडर का आयतन होता है π r²h, ये फॉर्मूला तो याद रखना है, नहीं तो कोई आपको किसी तरह का हेल्प नहीं कर सकता है, ये हेल्प आपको खुद करना है। तो पाई को हमने ऐसे ही रख दिया, 22/7 लिखा नहीं जानबूझकर। त्रिज्या 6 है तो 6 r² है, त्रिज्या का स्क्वायर 6 × 6, ऊंचाई h मतलब हाइट था तो ऊंचाई 9 सेंटीमीटर लिख दिया तो बराबर, अब गुणा किया 6×6 = 36, 36 × 9 = 324, 324 पाई जो है वो आपका सिलेंडर का आयतन निकल गया। अब हम आते हैं, हमें पूछा गया है गोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 π r³ होता है, ठीक है ना, और r तो हमें माना पूछा ही गया है, लेकिन देखो इसे गलाकर, इसको गलाकर ये गोला बनाया जा रहा है, तो इसका जो आयतन है इस गोले का भी आयतन वही रहेगा, और इस सिलेंडर का आयतन जो है 324 π है, अभी हमने निकाला है। तो प्रश्नानुसार क्या हुआ, गोले का आयतन सिलेंडर के आयतन के बराबर है, मतलब 4π r³ बराबर है 324 π। तो सबसे पहले जो है हम एक बड़े भद्र पुरुष की तरह बिना किसी सवाल को दिल में आए हुए पाई पाई को काट के झमेला हटा देते हैं।
अब सीधी बात है आर क्यू बराबर 324 × 3 अब बटे 4 होगा, 4 नीचे की तरफ आ जाएगा, तो चलिए उसको कर लेते हैं। तो हमारे पास आ गया कि आर क्यूब बराबर 324 था, देखो ये गुना 3 हो गया बटे 4 हो गया। अब 4 से जैसे ही आप काटोगे 324 को तो सीधा होगा 4 × 8 = 32 और 4 × 4। अब 81 × 3 है, लेकिन हमें देखो क्यूब निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, यहां पे सारे में क्यूब रूट निकालना है क्योंकि मेरा ये क्यूब फॉर्म में है। तो फिर हम जानते हैं 27 × 81 होता है, लेकिन 27 जो है वो क्या है, 27 जो बेसिकली है हम जानते हैं ये क्या है, ये 3 का क्यूब है। तो हम जानबूझ के इसको सजाते हैं कैसे, 27 × 9। ये आर क्यूब बराबर क्या होगा, देखो ये मतलब कि आर क्यूब बराबर है 3 का क्यूब × 9। तो आर बराबर क्या होगा, अब आपको समझ में आने लगा होगा कि मैंने से ऐसा क्यों किया। तो आर बराबर क्या होगा, देखो चूंकि 3 का क्यूब था तो वो तो 3 निकल गया और यहां घनमूल आपका 9 बचा हुआ है, 9 का तो घनमूल सीधे निकल नहीं सकता है, तो हमने 3 × 9 लिखा और 3 × 9 जो है यही देखिए इसका आंसर है। तो आशा करता हूं कि ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए यही सवाल जो था, यही सवाल था कि पिछले बार में जो किया था एक गलती हो गई थी उनसे, तो अभी मेरे को सुधारने का है। टाइपिंग मिस्टेक था और मैं बोलने के झोंक में चला गया, बोल दिया, लेकिन ऐसे ऐसा नहीं कि उत्तर में कोई चेंजेस नहीं हुआ। क्या हुआ था मैं बताता हूं कि देखो ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 और 9 को जोड़ोगे तो भैया वो 34 होगा, 36 नहीं होगा। हमने 36 तो क्या होगा, 34 होगा और रूट ओवर 34 होगा, इसके जगह पे हमने 36 पकड़ के इसको 6 कर लिया था, यही मेरी गलती थी। x तो निकलेगा ही, तो ऐसे में हम करते हैं कि इसको हम सीधा इसको काट देते हैं, फिर से इस गणित को हम करते हैं। तो हमने जहां तक किया था वहां तक देखो इसको लेके आया हुआ हूं, फिर इसको मैंने इसको काट देता हूं और यहां पे इसकी रूट ओवर 34। फिर गलती किया इसमें, मैंने x लिखना भूल गया, अब समझ लेना। अब देखो भाई बोला गया साइन बराबर लंब बटे कर्ण, ये पहले सवाल हो चुका था इसलिए मैं पूरा नहीं बोल रहा हूं। तो देखो लंब क्या है भैया, 3x है, लिख दिया, और कर्ण क्या है, रूट ओवर 34x है, लिख दिया। तो नेचुरली क्या होगा, आप यहां पर एक्स एक्स काट देंगे तो साइन बराबर 3/√34 हो गया। अब हम हमको कॉस लाना है, तो कॉस बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो 5x/√34x बराबर आपका जो है, अच्छा इसमें मेरे को काम करना है, काट देता हूं, नहीं तो फिर आप पूछेंगे कहां से ये हुआ, ये 5x का x कट दिया, ये कट गया, मतलब 5/√34। अब देखो 5 sin थीटा है, तो 5 × sin थीटा बराबर 3/√34, देखो ये है, फिर है 2 cos थीटा, तो 2 × cos थीटा बराबर 5/√34, बटे तो देखो फिर मैंने बटे का लाइन भी दे दिया। अब बोलता है 5 sin थीटा, फिर से लिखना है, तो 5 × sin थीटा बराबर 3/√34, तो 5 × 3/√34 प्लस 3 cos थीटा बोला है, तो 3 × 5/√34, ये पोजीशन तक हम आ गए। अब देखो बड़ा सिंपल है, इसको देखने में तो ये डर पैदा करता है, मैं भी जानता हूं विशेष करके आप लोगों को। अब देखो इसको √34 यहां भी है, √34 ये भी है, लॉस है, इसको निकाला तो क्या होगा दोस्त, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, √34 हो गया। यहां भी देखो 5 × 3 = 15, ये भी दोनों जगह √34 है, तो इसको भी लॉस कर लिया √34, फिर 5 × 3 = 15, 3 × 5 = 15 और ये √34 हो गया। तो हमने ये √34 को काट दिया, ठीक है ना। अगर जब हमने काट दिया तो क्या निकला भैया,
25 बटे जो है आपका 30 हो गया, तो यही 25 बटे 30, इसको अगर काटेंगे तो क्या होगा, 5 बटे 6 होगा, 25 5 36 5 बटे 6 आंसर। तो पहले बार भी 5 बटे 6 ही आंसर था, लेकिन यहां पे गलती के चलते यहां पे 6 था जो बेसिकली कट जाता है। इसके लिए ये मेरे पकड़ में भी नहीं आया, मैं भी फ्लो में बोलता हुआ निकल गया, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज, सॉरी वो आज का यही अंतिम सवाल था। तो देखिए इस तरह से हर एक दिन के बाद से मैं कोशिश करूंगा गणितों का वो टोकरा लेते हुए आऊं। अगर आप रेगुलर मेरे साथ बने रहेंगे, रेगुलर आप इसकी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करेंगे, आपको इसके लिए जरूरत है कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किए हैं बेल बटन को दबाएंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तभी एक पर्टिकुलर टाइप में आपकी प्रिपरेशन जारी रह पाएगी। आपने समय दिया इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।